नमस्ते। लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। लखनऊ विश्वविद्यालय में चाहे स्नातक में या परस्नातक में आप दाखिला लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी कोर्स में, तो यह आपके लिए सबसे सही समय है। आपके मन में ये संदेह होगा कि आखिरकार आखिरी तारीख कब है। तो वैसे तो यूजी और पीजी दोनों की ही आखिरी तारीख समाप्त हो गई थी, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय ने छात्र हितों में फैसला लेते हुए ये फैसला लिया कि हम दोनों कोर्स के तारीखों को बढ़ा देते हैं। अब जो नया तारीख है वो है 30 जून। 30 जून तक आप ऑनलाइन लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जा करके एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में 30 जून तक आप फॉर्म जब अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आपका एग्ज़ाम कब होगा, परीक्षा कब होगा। परीक्षा की बात करें तो अगर आप यूजी में एडमिशन लेंगे, यानी 12वीं पास करके जो भी कोर्स में एडमिशन लेंगे, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक या फिर कोई भी बीबीए, बीसीए, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, बीकॉम ऑनर्स जैसे कोर्सों में अगर आप एडमिशन लेना चाहेंगे, तो उसके लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं 30 जून से पहले पहले, तो आपका जो परीक्षा होगा वो 5 जुलाई से होगा। 5 जुलाई से आपका परीक्षा होगा और उससे पहले आपको डेटशीट भी आ जाएगी, साथ ही साथ एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। उसके बाद हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितना सही हो जाएगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और क्या क्या लेकर आना है, ये सब कुछ आगे वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं परस्नातक की, यानी पीजी कोर्स की। अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी भी अंतिम तारीख जो फॉर्म अप्लाई करने का है वो है 30 जून। 30 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। पीजी यानी परस्नातक कोर्स में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो उसकी जो एग्ज़ाम होगी वो होगी 16 जुलाई से। जी हाँ, जैसा कि मैंने यूजी का बताया 5 जुलाई से, वैसे ही पीजी का 16 जुलाई से आपका एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जब ये एग्ज़ाम हो जाएंगे तो इसके परिणाम कब आएंगे। तो परिणाम की अगर हम बात करें तो यूजी का जैसा कि मैंने बताया 5 जुलाई को, आप 5 जुलाई से एग्ज़ाम हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको 12 जुलाई को इसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा यूजी का। लेकिन पीजी का 16 जुलाई से चूंकि एग्ज़ाम ही होगा, इसलिए इसका 30 जुलाई को यहाँ पर परिणाम घोषणा की लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बात कही गई है। अब जब परिणाम जारी हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद होगा काउंसलिंग। काउंसलिंग अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, चाहे आपका रैंक कितना भी रहे, मार्क्स कितना भी रहे। काउंसलिंग की बात करें तो 25 जुलाई से यूजी की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। जी हाँ, 5 जुलाई से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, उसके बाद से आपका 12 जुलाई को परिणाम आएगा और वही 25 जुलाई को आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। वही अगर पीजी की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया 16 जुलाई से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 30 जुलाई को रिजल्ट आएगा और उसके बाद 5 अगस्त से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग उसका भी सेम वही प्रक्रिया है कि अगर आपने एग्ज़ाम दिया है लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस एग्जाम, तो आप उसके लिए काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। अब बताते हैं आपको कि काउंसलिंग में कैसे मिलता है आपको एडमिशन। काउंसलिंग में यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में 3 बार आपको अलॉटमेंट होता है। फर्स्ट अलॉटमेंट में उन्हें मिलता है जिनका रैंक काफ़ी बेहतर होता है, रैंक काफ़ी अच्छा आता है, उनको पहला कट ऑफ में, पहला अलॉटमेंट में उन्हें मिल जाता है काउंसलिंग के बाद। वही अगर बात करें थोड़ा सा आपका ज़्यादा रैंक है तो वो आपको दूसरा अलॉटमेंट में मिल जाता है। तीसरा अलॉटमेंट और वो लगभग लगभग आखिरी अलॉटमेंट होता है, उसमें वो उन लोगों को मिलता है जो सीटें लास्ट में बच जाती है, यानी फर्स्ट अलॉटमेंट और सेकेंड अलॉटमेंट में जो अलॉटमेंट हुआ है और वो अगर स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं तो उन सभी सीटों को मिला करके और जो बचे सीट होते हैं वो तीसरे अलॉटमेंट में अलॉट किया जाता है। उसके बाद से जो चौथा और पांचवा अलॉटमेंट होता है वो गिने चुने 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके बच्चों को दिया जाता है जैसे जैसे बचता जाता है। वो अलॉटमेंट के बाद क्या होता है, अलॉटमेंट आपको जिस दिन होता है उसके 3 दिन के भीतर भीतर आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करनी है लखनऊ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, और उसके बाद आपका एडमिशन लखनऊ यूनिवर्सिटी में कन्फर्म मान लिया जाएगा। उसके बाद से एक लास्ट प्रोसेस बचता है और वो बचता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। आपको एक तारीख दिया जाएगा, उस तारीख पर आपको आना है, अपने अपने डिपार्टमेंट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब आपके मन में संदेह होगा कि क्या हमको लेकर आना है अपने एंट्रेंस एग्जाम में। तो एंट्रेंस एग्जाम में आपको लेकर के कुछ नहीं आना है, बस डॉट पेन जो होता है, बॉल पेन, वो आपको 2 ठो आप बॉल पेन ले लीजिएगा, 2 ठो फोटो ले लीजिएगा,
जो एडमिट कार्ड आ जाएगा एंट्रेंस एग्जाम से पहले, वो दो ठो ले लीजिएगा, एक यूनिवर्सिटी कॉपी और एक स्टूडेंट कॉपी, वो ले लीजिएगा। और उसके बाद आपको आधार कार्ड अपना, जो ओरिजिनल आधार कार्ड है, वो लेकर आना है। साथ ही साथ आपको अगर आप किसी भी प्रकार का एडिशनल आप कोई रिजर्वेशन लेते हैं, जैसे कि फिजिकली चैलेंज्ड या फिर डिफेंस कोटा से ऐसे कुछ लेते हैं, तो उसका एक सर्टिफिकेट लेकर आना है। आगे हम भविष्य में आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। प्रश्न कितने पूछे जाते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में? टोटल आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे आप यूजी का एंट्रेंस एग्जाम दीजिए चाहे पीजी का दीजिए। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम समय रहेगा, ये बात आज ही आप अपने ध्यान में रख लीजिए। साथ ही साथ अब हम आपको बताते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जी हाँ, आप 100 के 100 प्रश्न जरूर करिए, आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपको अगर सही होता है तो उस पर नंबर दिया जाएगा, गलत होता है तो उसको कुछ नहीं किया जाएगा, गलत छोड़ दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार कितना सही कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे यूजी में या पीजी में, तो आप 60 क्वेश्चन से लेकर के 70 क्वेश्चन के बीच में अगर कर देते हैं, तो आप 90% 95% ये कंफर्म मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यानी जनरल कैटेगरी से भी हो, और 60 से लेकर के 65 तक क्वेश्चन कर देते हैं, 70 तक कर देते हैं, तो एकदम कंफर्म आप मान लीजिए, 90% कंफर्म मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। साथ ही साथ कुछ कोर्सेज ऐसी होती हैं, जैसे कि BA LLB हो गया, ये सब कोर्स, BSc मैथ हो गया, इन सभी कोर्सों में एडमिशन लेने के लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके अच्छी रैंक लानी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, ताकि आपका एडमिशन हो। BA LLB जैसे कोर्स थोड़ा प्रोफेशनल है और ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। साथ ही साथ कुछ ऐसे कोर्स है जिसमें थोड़ी सी कम रैंक भी होगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कम मार्क्स भी होंगे तो हो जाएंगे, जैसे कि BA हो गया और ये सब कोर्स। BA में ध्यान रहे, अगर आपका कम मार्क्स आएगा तो भले एडमिशन हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट शायद आपके मनपसंद का ना मिले। तो ये तमाम जानकारियाँ थी जो हम इस वीडियो में आपको दिए। बाकी अभी बहुत सारे आपको मन में डाउट होंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, हम हो सकता है कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई दे दें, अन्यथा आपको अगले वीडियो में बना करके आगे हम सभी प्रश्नों के सभी डाउट का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे हैं विवेक, सहयोगी मित्र सुमित चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद।